सर्वदा शाह करीमा दस्तगीरा कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए सब घर खाए काने बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़त है बताओ। एक दफा तीन ठोरे पकड़े गए कटघर के अन्ना पूर्वक नहीं कटघर के अब नाम न बतेबे चूंकि करीबे के मामला है तो कहीं मौलाना हम लोगन बदनामी करत है। तीन ठोर पकड़े गए रुपैडीहा थाना में लेके गए पुलिस बैठे सुके बाद दरोगा जी उठाइन पट्टा जब मारे चले तो दुई ठोर बैठे रह गए एक बहुत चालू रहे बझट से रुमाल बिछाए को नियत बांध दी जब नमाज शुरू कर दी तो दुई ठोर जो बैठे रहा उनका दरोगा जी मारी मारवार के जब उके लंग बढ़े तो फिर नियत बांध ली तो लौट गया फिर उन्हीं दोनों का मारी। एक घंटा तक मारपीट का सिलसिला रहा और एक घंटा तक उसकी नमाज थाने में छुटी नहीं। नियत पर नियत बांधे नियत पर नियत बांधे अल्लाह जाने को नमाज पढ़ा यहाँ तक कि एक घंटे में जब थाने को रुपया गांव से पहुंच गया दरोगा जी को रुपया मिला छोड़े तो तीनों जब गांव में आए तो दो नोट हो रहे उनका गरिया में कहीं सार कब के नमाजी हुई कर घंटा नहीं के नमाजे नहीं खत्म है कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौता ली लेकिन निके तो नमाजे नहीं खत्म है अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी इसराइल। तो उसने नमाज सिर्फ जान बचाने के लिए शुरू किया था अल्लाह को राजी करने के लिए तो उसकी मार से बताते बुढ़वा रहा है बीमार होएगा तो क्या लड़काओं का चार पे घेर बैठे अब्बा तो बुढ़वा कहते भैया जब हम बच न पीबे तो कहें तब अब्बा तो कहें जो हम मर जाए ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा लगाओ तो लड़को कहें अब्बा यू कहाँ वही पे गाँव वाले कहा कहें रिश्तेदार कहा कहीं हैं तो कहें गाँव वाले चक्कर में पड़ गया कि हमका फंसाए दे हो रहे तुम लोग कहीं काहे अब्बा कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मैं उनका नके हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान ये तो बहुत पहले मर चुका है कि हिसाब होएगा भाई छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाइए हैं और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि जिंदगी भर तो दलाली पे करबे कि इन्हें मरे के बाद सोचा था कि हूँ दलाली कह ले लेकिन ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह होगी जब तलात रसूलुल्लाह की इसलिए लोगों अल्लाह को डरो। जब मैं सुना पेट्रोल टंकी पे तो हमें इतना गम हुआ कि देखो ये हमको सुनाने के लिए कह रहे हैं और हकीकत भी है हम वहां ना बोले हमने कहा ना ना ऐसा नहीं है 10% कहीं होंगे क्या नहीं नहीं मौलाना जी पूरा मुसलमान पीता है हमने कहा नहीं 10% होंगे तो जब वहां से आगे बढ़े तो जो लड़का मेरी गाड़ी चला रहा था उसने कहा मौलाना साहब सही कहते हैं ये नौजवान बच्चे जो बाहर जाते हैं ये अक्सर शराबी हो गए नशेड़ी हो गए शराब बर्बादी का जरिया। जब देखो एक बात सुनो तफसीर की बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आदम को खलीफा बनाने के लिए फरिश्तों से मशवरा लिया तो फरिश्तों ने कहा आदम को खलीफा न बना अपना आदम की औलाद बड़ी खुरेजी है बड़ी फसादी होगी। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। अब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में खलीफा बना के भेज दिया अपना। जब आदम की औलाद गलतियां करने लगे तो फरिश्तों ने कहा था अल्लाह से कह अल्लाह हम लोगों ने मना किया था कि आदम को खलीफा बना के न भेज उसकी औलादें गलतियां करेंगी। तूने खलीफा बना दिया आदम की औलादें कितनी गलतियां कर रही हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो नफ्स मैंने आदम के औलादों में पैदा किया है वो नफ्स अगर तुम लोगों में पैदा कर दूं फरिश्तों तो तुम भी वही गलती करोगे जो आदम की औलाद करती है। बेशक ये नफ्स है ना सबके नफ्स अम्मारा। फरिश्तों ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता हम तेरी नाफरमानी कभी नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम अपने फरिश्तों में से छांट लो
जो सबसे सूफी टाइप के हों, परहेजगार के टाइप के हों, उनमें से दुई का ले आओ। तो फरिश्तों ने आपस में मीटिंग करके और छांटा दो लोगों को, कौन कौन? हारूत और मारूत, ये दो फरिश्तों को छांट कर लेके आए। अब ज्यादा ना बढ़ो यार, खराबे हुए देखो, सीटी मारा थे सब वही में है यार, चले दो एक से। हारूत मारूत को लाए, तो अल्लाह ताला ने हारूत मारूत के अंदर, हम लोगों में जो नफ्स है ना, वो नफ्स उनके अंदर भी पैदा फरमा दी। और उसके बाद आए बाबुल शहर तबलीग करने, आते थे इसमें आदम पढ़ के जमीन पर, दिन भर तबलीग करते थे, शाम को इसमें आदम पढ़ते थे वो दोनों फरिश्ते, और इसमें आदम की बरकत से फिर आसमानों में पहुंच जाते थे। अभी हल्की सीटी दे रहा है, रोजाना आते थे जाते थे। इतने में एक दिन ये हारूत और मारूत एक मार्केट से गुजरे, तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की मिली। इतनी खूबसूरत लड़की की फरिश्ते जो उन बड़े परहेजगार रहे, देख के भाग गए और उसके पास गए और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तो उसने कहा ना, मेरा शौहर जिंदा है और शौहर की जिंदगी में मैं तुम्हारे करीब कैसे आ सकती हूँ? मेरे शौहर को कत्ल कर दो फिर मेरे करीब आ जाओ। तो फरिश्तों ने कहा ना, किसी को बगैर कसूर के कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है कि कातिल का ठिकाना जहन्नम है, हम कत्ल नहीं करेंगे। कत्ल करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। और कोई काम कहो जो हम लोग कर सकते हैं, तो लड़की ने कहा कि शिर्क की बोली बोल दो फिर मेरे करीब आ जाओ। फरिश्तों ने कहा, शिर्क की बोली भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा लेकिन शिर्क की बोली को माफ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा कि फिर इसमें आदम बता दो, इसमें आदम हमें बता दो फिर मेरे करीब आ सकते हो। तो फरिश्तों ने कहा, नहीं नहीं, इसमें आदम ही अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसको हम बता नहीं सकते। तब एक शराब का प्याला लेके आए, कहा तो ये शराब का प्याला पी लो फिर मेरे करीब आ सकते हो। दोनों सोचें कि चलो पी लिया जाए, तो कहे तौबा कर लिया जी, तो कहें ठीक। और दोनों को पी, दोनों ने पिया उसमें से शराब, और पीना था कि नशा तारी हुआ, होशो हवास खराब। अब लड़की के करीब बढ़े तो उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया कि ये मेरा शौहर, पहले इसको कत्ल करो फिर मेरे करीब आओगे। वो दोनों हारूत मारूत जुट गए और उसको मार डाला। और मारने के बाद फिर उधर बढ़े तो उसने कहा, अभी नहीं मेरे करीब आ सकते हो, पहले शिर्क की बोली बोलो। तो शिर्क की बोली भी बोल दिए, जो गुनाह पहले करने के लिए तैयार नहीं थे शराब के नशे में, वो गुनाह भी कर रहे हैं। शिर्क की बोली भी बोल दिया। फिर करीब बढ़े तो लड़के ने कहा, नहीं अभी नहीं, इसमें आदम बताओ, इसमें आदम बताएं। वो लड़की इसमें आदम पढ़ी और आसमानों में चली गई। आप ये जिसके लिए सब कुछ किए थे उसके लिए उससे हाथ धो बैठे। तब उस जमाने के एक पैगंबर थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वहां गए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह ने फरमाया, उनसे कह दो कि दुनिया की सजा चाहते कि आखिरत की। तो फरिश्तों ने कहा, आखिरत की सजा हमेशा हमेशा की, हम दुनिया की सजा चाहते हैं। तो हारूत मारूत को कुएं में लटका दिया गया। आज भी उल्टा लटके हुए हैं। पता चला कि शराब एक ऐसी चीज है कि इंसान को बर्बाद ही कर देती है। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, शराब के करीब न जाओ, जुआ के करीब न जाओ, ना अपने को बर्बाद हो, ना इस्लाम को बदनाम करो, ना मुसलमानों को बदनाम करो। बहरहाल गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ की गोद से कुरान सीखा। हमारी माँ बहनों को भी इसे चाहिए, लेकिन आजकल की माँ बहनों की गोद से इल्म कहाँ मिलता है? कल मिलता था एक जमाने में कि कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी,
कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते अखुले आँखों सल्ले आला कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो कल की माएं अपने बच्चों को दीन की दावत देती थी, अब आज कल की औरतें इतनी जालिम हो गई हैं, कलमा दरूद याद नहीं, जहां लड़का रोवे लागे तो कहां मुस्तफा कहां दरूद, उठाए बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पीटत, सोजा सोजा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंगे बहायो गंगा माता बारू दी बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दी, सल्ला जाने कहां से याद कही न कोनो इके मौलवी न कोनो मास्टर न कोनो किताब छपी, हल्ला जाने कहां से पिटिया लेते, और छोट मोट कहानी ने इतनी देर तक पीटा कर रहे थे, हम तो देहाती आदमी सुना करे थे बड़े विरोग से बहुत देर तक कही है कि सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए सब घर खाए काने बिलैया खाए छू तब फूक छोड़त है बताओ। जब माँ अति बड़ी झुठिन है चुड़ेलिन कहा था कि खीर बनाए सब घर खाए कानी बिलैया खेल बताओ, हम बुढ़ाए के नाज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अरे रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवाओ, तो जब माँ झूठी होगी तो लड़का भी तो झूठा ही होगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि बे अदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, ओ मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं, जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता ऐसे ही बेअदब माँ से बादब बच्चा नहीं। ए लोगो सहाबा की जिंदगी देखो, क्या वो मोमिन थे, हजरत खालिद इब्ने वलीद रदियल्लाहु ताला अनु के सामने एक यहूदी आया हाथ में जहर लिए हुए था, कहा खालिद तुमने इस्लाम को माना है, क्या इस्लाम सच्चा मजहब है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, दीनी इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। तो यहूदी के हाथ में जहर था, कहा था कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये जहर खा के दिखाओ, अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फौरन वो जहर लिया और खा लिया और ऐसे मुस्कुराते रहे, जहर ने हजरत खालिद पे कोई असर नहीं डाला। यहूदी ने देखा तो पुकार उठा का खालिद मुझे यकीन हो गया, खुदा की कसम तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा इस्लाम भी सच्चा है। ये थे मुसलमान, मोमिन मुसलमान बनो, ईमान अपना खरा रखो, नबी से मोहब्बत करो। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आज तो हम लोग सिर्फ कहते हैं ईमान तो पक्का सहाबा ही का था। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु एक दिन जा रहे थे, दो तीन लोग बैठे बकरी का रान भून के बैठे खा रहे थे, हजरत अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा खा लो, तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे पैगंबर ने कभी जौ की रोटी पेट भर नहीं खाई और मैं भुनी हुई बकरी का रान खाऊं, बेशक सुभान अल्लाह अबू हुरैरा ने नहीं खाया। हम लोगों का जहां गोश्त मिले थे हुए जुगाड़ बनावा जाते, कहा थे जहां बोटी जुगाड़ हुए मुलबी मुल्ला वही तो बदनाम है। सहाबा का ईमान बड़ा जबरदस्त था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक जगह मैदान में अपनी ऊँटनी को घुमा रहे थे, ऐसे ना हुआ पैरा ना गेहूं ना खजूर कुछ नहीं, ऐसे मैदान में पकड़े घुमा रहे थे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर क्या कर रहे हो, यहाँ कुछ है भी नहीं, क्यों घुमा रहे हो, कहा कुछ हो ना हो मैंने एक दफा अपनी निगाहों से देखा कि मेरे पैगंबर की ऊँटनी ऐसे ही घूम रही थी यहाँ पर, तो अपने नबी की सुन्नत की अदायगी में मैं ऊँटनी को घुमा रहा हूँ, कोई काम नहीं फिर भी घुमा रहे हैं। ये सहाबा की मोहब्बत थी नबी से। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दस्तरखान पे बैठे लोग बैठे थे, तरह तरह का खाना दस्तरखान पे बन के आया, उसी में लौकी भी थी,
तो दस्तरखान पे जो लोग बैठे थे तो एक साहब कहे नहीं हमका लौकी नहीं पसंद है। जैसे उन्होंने कहा मुझे लौकी पसंद नहीं है, वैसे हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार उठाया और खड़े हो गए, खाना छोड़ के तलवार उठा के खड़े हो गए। फरमाते हैं जद्दिदिल इस्लामा, इस्लाम कोई तजदीद कर, फिर से इस्लाम कबूल कर, व इल्ला लाक्तुलन्नका, वरना मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। तूने कैसे कह दिया लौकी तुझे पसंद नहीं है, जबकि लौकी मेरे नबी को महबूब थी, लौकी मेरे नबी को पसंद, और उनके उम्मती होकर के तुम कहते हो मुझे लौकी पसंद नहीं है। ये ईमान था बुजुर्गों में, वो मोमिन बन के दुनिया से गए, और आज हम नाम के मोमिन हैं। आप लोग आपस में बात कर रहे थे यार, अच्छा नहीं लगा। याद रखो, ईमान अगर खरा है तब तो नमाज रोजा काम आएंगे, वरना सब बेकार है। बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, सच। कुरान करीम में मन मिला सालिहा, जिसने नेकियां की, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन दरहा, लेकिन वो ईमान वाला है। फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो यकीनन हम उसको अच्छी जिंदगी दे देंगे। जिस मर्द औरत ने नेकियां की, वह हुआ मोमिन दरा हाले की, वो ईमान वाला है। पता चला बगैर ईमान के किसी ने नेकी किया तो नेकी काबिले कबूल नहीं है। जैसे बहुत से लोग किसी गैर मुस्लिम के बारे में कहते हैं यार वो आपको रोजा नहीं छोड़ा, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो रोजा रखना बेकार। कोई सदका करता है लेकिन ईमान नहीं तो सदका बेकार। क्यों अल्लाह ने शर्त लगा दी है, दरा हाली को ईमान वाला हो तो फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह कहता हम उसको अच्छी जिंदगी दे देंगे। सुभानअल्लाह। अब अच्छी जिंदगी के मतलब हम लोग ही सोचे थे, क्योंकि अल्लाह विधायक बनाए दी, प्रधानमंत्री बनाए दी, सरकारी नौकरी मिल गई, ना ये अच्छी जिंदगी का मतलब नहीं है। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, चार इमामों में एक इमाम है, उनसे पूछा गया कि हयात तय्यबा का मतलब क्या है, अच्छी जिंदगी क्या है। तो इमाम मालिक फरमाते हैं हयात तय्यबा यानी अच्छी जिंदगी का मतलब यह है, अल्लज़ी याकुलु हलालन व यलबसु हलाला। अच्छी जिंदगी का मतलब यह है कि वो हलाल रोजी खाएगा और हलाल लिबास पहनेगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सबसे अच्छी जिंदगी उसकी है जिसकी रोजी हलाल हो और जिसके कपड़े हलाल हो। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। विधायक बन गया, प्रधान बन गया, मौलाना बन गया, वकील बन गया, लेकिन अगर रोजी हलाल नहीं है और लिबास हलाल नहीं है तो उसकी जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं है। कुरान कह रहा है हयात तय्यबा तो उसी मोमिन को मिलेगी जिसकी रोजी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा रफीक आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए गौसे पाक के अब्बा बगदाद की दरिया में एक सेब देखे थे, बहुत भूखे थे, बहुत ज्यादा भूखे थे, तो सेब उठा के खा लिया था, और खा लिया लेकिन बाद में याद आया कि ये सेब पता नहीं किसका था, मैंने पूछा भी नहीं, वो खा लिया। एक कमेटिन वाले ज्यादा बकबक ही हो तो कैसे काम हो यार, जिका बैठना जहां बैठने तो खुद देख रहे हैं, अकलमंद है सब लोग, कोई इसमें बौकल तो है नहीं, वो खुद जानता है कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। खामोशी से थोड़ी देर गौसे पाक के अब्बा एक सेब बहता हुआ खा लिए बगदाद के दरिया से, बड़े भूखे थे, फिर सोचा कि ये पता नहीं किसका सेब है, बगैर इजाजत के मैंने खा लिया। तो सेब जिधर से आया था चल पड़े सेब वाले को तलाश करने के लिए, और तलाश करते करते पा गए,
कहा भाई आपका एक सेब, आपका ये जो दरख्त है दरिया के किनारे, इसी का सेब एक जा रहा था, मैंने उठा के खा लिया, मैं आया हूँ, वो माफ कर दो। क्यों? जिसकी रोजी हलाल होगी वही अल्लाह का नेक बंदा है। शोर से पाक के अब्बा एक सेब की माफी करवाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा 12 साल बकरियां चराओ मेरी, माफ करेंगे। तो चराने लगे। हम लोग हुए तो मानित कि माफ करो, चाहे जाओ अपने रास्ता। हम चले थे घरे, 12 साल बकरी चरेंगे। लेकिन गौसे पाक के अब्बा तैयार हो गए, 12 साल तक बकरियां चराए। फिर उसके बाद कहा माफ कर दो। तो कहा मेरी एक लड़की, उससे निकाह कर लो। कहा ठीक है, कर लेंगे, माफ कर दो। कहा लेकिन सुन लो एक बात, वो लड़की है कैसे, अंधी है, बौरी है, बहरी है, गूंगी है, लूली है, अपाहिज है, उससे आपको निकाह करना पड़ेगा। तो उसे आदम के अब्बा रुक गए, कहने रे कैसे जिंदगी गुजरे। फिर एक तरफ दिल ने झिझोड़ा, ईमान ने झिझोड़ा कि अगर उससे शादी नहीं करेंगे तो ये सेब माफ नहीं करेंगे, जब ये माफ नहीं करेंगे तो हमारी नमाजें बारगाह मौला में कबूल नहीं होंगी। सुभान अल्लाह, क्योंकि हम बगैर इजाजत के खा चुके हैं। तो गौसे पाक के अब्बा तैयार हो गए, सोचा जिंदगी तो मेरी बर्बाद होगी लेकिन आखिरत तो मेरी बन ही जाएगी। तो शादी कर ली, और शादी करने के बाद जब घर में गए सलाम किया। आजकल जब जात है पहली रात मेहरुआ कमरा में, यहाँ तो सलाम करिए जरूर, कभू न करिए लेकिन उस दिन तो सलाम होता है। जब सलाम किया तो उनकी बीवी खड़ी होगी, वालेकुम अस्सलाम, जैसे खड़ी हुई और सलाम का जवाब दिया वैसे गौसे पाक के अब्बा बाहर निकल आए। गए कहे नहीं मैं तो कोनो दूसरा औरत है, नहीं आप ही की बीवी। कहा ना मेरी बीवी तो लूली है, अपाहिज है, आँख की अंधी है, बौरी है, और उसका सब ठीक ठाक है, बोल रही है। तब उनके ससुर ने कहा था बेटा मैंने मेरी लड़की जो आँख की अंधी है इसका मतलब कि आँख से हराम चीजों को देखा नहीं, सुभान अल्लाह, बौरी है, बुरी चीजों को जबान से कभी अदा नहीं किया, लिंग लूली है, अपाहिज है, इसका मतलब कि गलत चीजों में कभी हाथ नहीं लगाया, गुनाह की तरह मेरी बच्ची के कभी कदम नहीं उठे, उसका मतलब यह है। तो गौसे पाक के अब्बा ने खुदा का शुक्र अदा किया था, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सेब की भी माफी करवा दी और इतनी परहेजगार बीवी भी तूने अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थे गौसे पाक के अब्बा, हलाल रोजी के लिए इतनी मेहनत किए। इमाम मालिक ने फरमाया अच्छी जिंदगी उसी की है जिसकी रोजी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो। तो ईमान बहुत जरूरी है, इसीलिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हम सबके इमाम हैं ना, हम सब हनफी हैं। देखो चार इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम आजम। तो दुनिया में कुछ इमाम शाफई के मानने वाले हैं जो अपने आप को शाफई कहते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में बहुत से हम्बली हैं, इमाम हम्बल को मानने वाले हम्बली कहते हैं, बड़े पीर भी हम्बली थे। देखो सुन लो एक बात, हम सब हनफी हैं और बड़े पीर कौन थे बोलो, हम्बली थे। हम लोग इमाम आजम के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, गौसे पाक इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ते थे। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल भी बहुत बड़े आशिके रसूल थे। उन्होंने तो कहा था कि मुझे दरबारे रसूल की खिदमत मिल जाए, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। बहरहाल इमाम आजम एक जगह तकरीर कर रहे थे तो एक बुढ़िया अपनी बकरी लेकर आई, उसकी बकरी को थोड़ी सी दाढ़ी जमी थी। लेकर आए, कहा इमाम आजम ये बताओ कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है। तो इमाम आजम फरमाते बूढ़ी माँ अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी होगी, और अगर मैं ईमान पर दुनिया से न गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला कि सब कुछ का दारो मदार ईमान, इसलिए आप लोग अपना ईमान बचाइए,
आज बहुत से लोग मिलेंगे कि नबी वली कुछ नहीं कर सकते, किसी की कोई शफात नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर फरमाते हैं अन जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन काला हीना यस्मा निदा, जिसने अजान सुन करके पढ़ा اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه, अजान सुनने के बाद जिसने अजान की दुआ पढ़ ली तो हुज़ूर फरमाते फकुंत लहु यौमल क़ियामत शाफ़ियं व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ात भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इस हदीस से साबित हुआ कि हुजूर कयामत के दिन शफात कराएंगे। बोलो साबित हुआ कि नहीं? एक जगह भी फरमाया हुजूर ने मन हफिजा ला उम्मती अरबईना हदीसा, जिसने मेरी उम्मत को 40 हदीस पढ़ के सुना दिया। तो लिखा है बासहुल्लाहु फकीहन यौमल कयामा, अल्लाह ताला 40 हदीस सुनाने वाले को कयामत के दिन फकीह बना के उठाएगा। और हुजूर फरमाते वकुंतु लहू यौमल क़ियामत शाफ़ियं व शहीदा, और उस 40 हदीस सुनाने वाले की मैं शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई हदीसों से साबित है हुजूर शफाअत करेंगे, लेकिन वहां भी नजदीक कहते हैं कोई किसी के काम नहीं आए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक मुजुदा शफात का सुनाते जाएंगे, सुभान अल्लाह, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, उस वक्त दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और छुपाते जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जुर्म खुलते जाएंगे और यह छुपाते जाएंगे। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, जो कुछ मिला है सब उन्हीं के वसीले से मिला। आज हमारे फकीर भाई और आप लोगों ने मिल करके इतना बड़ा जलसा नबी के नाम पर किया, क्यों किया? कि जो कुछ मिला सब उनके वसीले से मिला। सब कुछ उन्हीं के वसीले से मिला। हदीस कुदसी लौला कलमा खलक्तुल अफलाक वल अर्दीन, महबूब अगर तुम ना होते तो जमीन व आसमान में कुछ भी नहीं बनाता। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहाँ खलील पैगंबर होते, कहाँ काबा बनता, कहाँ मीना का मैदान होता, अगर मेरे नबी न होते तो कुछ भी न होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, होते कहाँ खलील बिना काबा मीना, लौलक वाले साहेबी सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, 15-16 पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत है। अल्लाह फरमाता है फमन काना यरजो लिका रब्बी, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो कि मैं अपने रब से मिलूंगा, तो क्या करे? फल्यामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि वो आमाले हसना कर ले। सुभान अल्लाह, अच्छे अमल कर, अच्छे अमल करो,
अब अच्छे अमल में क्या है? तो अमलों में सबसे पहला अमल क्या है? हम और आप क्या कहते हैं, ईमान लाने के बाद सबसे पहला अमल नमाज, रोजा, यही तो बताते हैं। लेकिन हदीस देखो, ये भी हदीस से साबित है जो आप समझ रहे हो। लेकिन एक सहाबी माज़ इब्ने जबल हैं, उनको हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाया, और जब यमन का गवर्नर बनाया तो हुजूर ने उनको वसीयत की। तो पहली वसीयत की कि वो बुदुल्ला वला तुशरिकु बिही शैया, के माज़ गवर्नर बन गए हो लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। फिर दूसरी बात बताई, वला तौक्कन वालिदैक, ऐ माज़ अपने माँ बाप की ना फरमानी न करना। गवर्नर बन गए हो तो शिर्क न करना और अपने माँ बाप की ना फरमानी न करना। तीसरी वसीयत सरकार ने फरमाई थी, वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबा, और ऐ मास फर्ज नमाज को हरगिज हरगिज न छोड़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले नंबर पर हुजूर ने किसको बताया? शिर्क को। और दूसरे नंबर पर हुजूर ने माँ बाप की फरमा बरदारी बताई, और तीसरे नंबर पर मेरे नबी ने नमाज को बताया। इस हदीस की तरतीब से लगता है कि माँ बाप की नमाज से भी कहीं अच्छी इबादत अल्लाह को माँ बाप की फरमा बरदारी है। नमाज से भी अहम है माँ बाप की फरमा बरदारी करना। इसीलिए अगर कोई नमाज पढ़ता और माँ बाप राजी नहीं है तो हदीस पाक में कि अल्लाह उससे कभी राजी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिदाउर रब्बि फी रिदाइल वालिदैन, हुजूर फरमाते हैं रब की रजा माँ बाप की रजा में है। अगर तुमने नमाजें पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, जकात दे दिया, लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है तो खुदा तुमसे राजी नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मारहरा शरीफ जहाँ से आला हजरत मुरीद है, मारहरा और से कासमी में मैं मौजूद था, जाता रहता हूँ, तो वहाँ के सज्जादा नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ खड़े होते हो, कहते हैं मेरे मुरीदो, ऐ बरकाती मुरीदो, दूर दूर से आने वालों एक बात सुन लो। तुम लोग किस लिए आए हो? इसलिए आए हो ना कि पीर के यहाँ जाएंगे तो पीर बख्शवा देंगे। हजरत फरमाते हैं खुदा की कसम सुन लो। कहते हैं के लोगो सुन लो, जब तक के तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर नजीब हैदर मियां किबला अपने मुरीदों से कहते हैं। पता चला कि माँ बाप को राजी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए लिखा है कि तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं। एक हफ्ता हुआ नानपारा में मैं बैठा था, एक साहब मेरे बगल में बैठे थे, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा निकला तो मुसाफा मिला तो मेरा हाथ चूमा, तो मैंने हाथ खींच लिया, नहीं आदत है अपने चुमाने की। तो वो साहब बैठे थे तो बच्चा चला गया, तो कहते हजरत हाथ चूमना शिर्क है ना? तो हमने कहा नहीं शिर्क तो नहीं है, यानी हमने सुना शिर्क है। हमने कहा शिर्क नहीं है, शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अल्लाह मानकर उसकी इबादत करना, इसका नाम है शिर्क। बेशक। और हाथ चूमना शिर्क नहीं है, बल्कि तीन लोगों का हाथ चूमना तो मेरे नबी ने मुस्तहब बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नंबर एक पर माँ बाप, माँ बाप का हाथ चूमना इस्लाम में मुस्तहब है, सवाब का काम। दूसरे नंबर पर उस्ताद, अब उस्ताद में पढ़ाने वाला भी आ गया, नमाज पढ़ाने वाला इमाम भी आ गया, और पीर भी आ गया, तो इनका हाथ चूमना मुस्तहब। और तीसरे नंबर पर कोई हाकिम इस्लाम हो, इस्लामी हाकिम हो, तो उसके भी हाथ, उसके भी पैर को, उसके भी हाथ को चूमना, बोलो यार कुछ तो बोल दो, मुस्तहब। इसलिए माँ बाप की फरमा बरदारी भी करो
और माँ बाप के हाथ को बोसा दे दो तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लिखो और सुनो, तीन लोगों की दुआएं कभी ठुकराई नहीं जाती। आज तुम दौरे घूमो तो बहुत दूर दूर जात हो, दुआ करवावे पीर साहब के पास, दुआ करवावे जात हो। नहीं लिखा है कि पीर दुआ करेंगे तब कबूल होगी। चले गए पीर साहब के पास दुआ करवाने के लिए, पैसा खर्च करके, लेकिन सुनो दुआएं कहाँ कबूल होती हैं? तीन जगह है जहां दुआ कबूल होती है। नंबर एक पर माँ बाप की दुआ, अगर माँ बाप औलाद के हक में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर लिखा है कि कोई मजलूम हो, मजलूम माने परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, और उसकी मदद कर दो, वो दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पर बताया गया कि कोई मुसाफिर हो, सफर में हो, और उसकी मदद कर दो, उसका सहारा बन जाओ, मुसाफिर खुश हो करके दुआ कर दे तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दुआ की कबूलियत की जगह ये है। क्यों जाते हो 1,500 रुपया खर्च करके इतनी दूर? तुम माँ बाप को राजी कर लो, ये दुआ कर देंगे, तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। कोई परेशान हाल हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, मुसीबत में हो, उसका सहारा बन जाओ, उसकी मदद कर दो, और दिल से उसने दुआ कर दिया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और ऐसे कोई मुसाफिर गुजरे, आजकल मुसाफिरों का कोई पुरसान हाल नहीं होता, खास तौर से अगर कोई रमजान में आ गया तो रमजान में भी लोग नहीं होते। रमजान में हम ही लोग ज्यादा मुसाफिर बने थे, अक्सर मौलवी बेचारे मस्जिद में सो जाते भूखे, देहातों में ज्यादा, शहर में कम। कोई मुसाफिर पहुंचा मस्जिद में, हम नमाजी पढ़ पढ़ के सब चले गए, अब बेचारा अकेले बचा है। तो अगर कोई बुलाए भी ले कि चलो हमारे घरे तुम जाओ, तो घरे जाते तो अगर बीवी से कहते कि मेहमान आए तो नहीं खाना दे, तो कहें कस मेहमान कहाँ के, अरे मस्जिद में आए रहा है, कोई हुई है कहूँ के तो बुला लाए। तो कहते इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं लेगा, तुम इन बहुत बड़े सेठ रहो, तुम इन बुला लाए, जाओ बनाओ खवाओ। तो आजकल इन माँ बहनों की वजह से नेकियां नहीं कर मिलती। ऐ लोगो, मुसाफिरों को राजी करो, कोई भी मुसाफिर आ जाए उसका सहारा बन जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजो लिका रब्बी फलियामल अमलन सालिहा, जो अपने अल्लाह से मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद हो वो चाहिए कि नेकियां करे ताकि अपने रब से मुलाकात कर ले। देखो हमारे बाद कई शायरों की नात होनी, और हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्ला साहब का बेहतरीन बयान होना, और बच गए हैं 9, 10, 9, 7 पे तो हम बैठे ही थे, इसलिए 12 तक का वक्त बड़ा कीमती वक्त होता है, उसके बाद लोग भागने लगते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जाए ना, आज गौसे आदम की महफिल में आए हो, यकीनन गौसे पाक देख रहे हैं। हदीस शरीफ में है कि वली जब तक जिंदा रहता है उसकी ताकत अगर 50% होती है तो बादे विसाल उसकी ताकत बढ़ जाती है, 100% हो जाती है। अल्लाह वाले जब जाहिरी दुनिया छोड़कर बातिनी दुनिया में जाते हैं तो अल्लाह ताला उनका इख्तियार और बढ़ा देता है। गौसे आदम बगदाद की जमीन पे आराम फरमा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को देख रहे हैं। बोलो, खुद कहते थे नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, गौसे पाक कहा करते थे मैं अल्लाह के शहरों को ऐसा देखता हूँ कखर दलातिन अला हुक्म इत्तिसाली, जैसे कि रई का दाना मेरी हथेली पे रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबको देख रहे हैं। इसलिए लोगों, गौसे पाक से अगर मोहब्बत करते हो तो सिर्फ बकरा जबा करने से मोहब्बत नहीं साबित होगी, गौसे आदम की महफिल करने से मोहब्बत साबित नहीं होगी,
बल्कि गौसे आदम के किरदार को जिंदा करना पड़ेगा 40 साल तक बराबर। भैया मोबाइल वाले जरा दूर जाके बात करो यार। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। मुसलमानों इससे जरा अंदाजा लगाओ कि 40 साल तक गौसे आदम सोए नहीं और 40 साल तक बराबर नमाज ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा हुई, ना ईशा छोड़ा ना फजर छोड़ा। और हम गौसे आदम के मानने वाले ईशा भी ना पढ़े फजर भी ना पढ़े, फिर गौसे आदम जिंदाबाद, गौसे आदम जिंदाबाद। तो खुदा की कसम गौस तुम्हारी तरफ मुतवज्जा नहीं हो। अगर गौसे पाक को मानते हो तो नमाजों को पढ़ना पड़ेगा, गौसे पाक को मानते हो तो सब्र करना पड़ेगा। आज आप बात बात पे झगड़ा करते हो, बात बात पे लाठी चलाते मुकदमा करते हो और कहते हो गौसे पाक के मानने वाले। गौसे पाक एक दिन बगदाद की एक गली से जा रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था, आते आते गौसे पाक के चेहरे पे तमाचा मारा बगैर कोई बातचीत मार दिया इसे। जब मारा तो गौसे आदम ने दूसरा रुख पेश कर दिया, इशारा कर लो, बजाय मारने के दूसरा रुख पेश कर दिया। तो नौजवान कहता है अब्दुल कादिर ताज्जुब है, बगैर गलती के मैंने तुमको तमाचा मारा तो तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के तुमने दूसरा रुख पेश कर दिया। तो गौसे पाक कहते मैं बदला क्या लूं, तुमने तो मेरे साथ एहसान किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहसान क्या किया? कहा बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने अपने गुस्से को पी लिया और सब्र कर लिया, तो तुम्हारी वजह से मुझे सब्र की नेकी नसीब हो गई। हाँ वादा करता हूँ अगर कयामत में अल्लाह ताला ने मुझे कोई मकाम दिया और जन्नत में जगह अता फरमाए तो वादा करता हूँ बगैर तुमको साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी नेकी मुझे नसीब हुई। उस नौजवान ने सुना तो फौरन गौसे पाक के कदमों में गिर गया और कहने लगा अब्दुल कादिर खुदा की कसम मैं मान गया, तुम बड़े सच्चे बड़े रहम दिल इंसान हो। मुरीद हो गया गौसे पाक। तो गौसे पाक के मानने वाला जो गौसे पाक को दिल से मानेगा वो सब्र करेगा, गाली का बदला गाली से नहीं देगा, मार का बदला मार से नहीं देगा, ना थाने में रिपोर्ट करेगा, बल्कि गौसे पाक की तरह सब्र करता रहेगा। सुभान अल्लाह। सब्र करो, मार पीट ना करो, इख्तलाफ ना करो, पार्टी बंदी ना करो, बल्कि पहलवान बनने की कोशिश करो। हदीस पाक में आना ना सिनकाला काला रसूलुल्लाही हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरो जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गौसे पाक को दिल से मानो, उनके किरदार को मानो। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी कर लो, नमाज पढ़ लो, बगैर नमाज के ना अली राजी होंगे ना हुसैन राजी होंगे। सुभान अल्लाह। आज हर जगह या हुसैन या हुसैन या अली या अली कहने वालों जरा सोचो तो कि अली हमारी तरफ मुंह करते हैं। हजरत अली की एक नमाज असर छुटी थी जिंदगी में। कब? मक्का के बाहर एक मैदान था, साहबा हजरत अली बैठे थे, हुजूर गए उनके रान पे सर रख करके लेट गए और हुजूर सो गए और हजरत अली ने असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूब गए। लेकिन जब सूरज डूबा तो हजरत अली नमाज असर की मोहब्बत में रोने लगे। जब रोने लगे तो हुजूर ने आंखें खोली, फरमाया रो रहे हो अली? कहा अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया, हजरत अली ने नमाज़े असर पढ़ी। ऐ लोगों जरा गौर करो अली के मानने वालों, एक असर छुटी थी जिंदगी में हजरत अली की तो रोए थे, और वो भी खेल कूद में नहीं छुटी थी, सोने में नहीं छुटी थी, खाने पीने में नहीं छुटी थी, बल्कि नबी की मोहब्बत में छुटी थी। सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल में नमाज को छोड़ा था,
लेकिन रोए थे, इतना रोए थे कि आंसू बहे और नबी के रुखसार पर पड़े, नबी जाग गए। और आज हमारी तुम्हारी असर नहीं, सब नमाजें छूट रही हैं, अब आंसू छोड़ दो एहसास भी नहीं। ऐ लोगो, ना अली राजी होंगे ना खुदा राजी होगा। खुदा के लिए नमाज पढ़ो, नमाज दुनिया में भी आपको इज्जत दिलाएगी। सुभानअल्लाह। हमने तो बहुत देखा, हमारा गांव खन्ना पुरवा है, जंगल के दारे है, अक्सर लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर काटते पीटते हैं। एक दफा तीन ठोरे पकड़े गए कटघर के, खन्ना पूर्वक नहीं कटघर के, अब नाम न बतेवे चूंकि करीबे के मामला है, तो कहीं मौलाना हमारे लोगों ने बदनामी करा थे। तीन ठोर पकड़े गए, रुपईडीहा थाना में लेके गए पुलिस, बैठे सुके बाद दरोगा जी उठाइन पट्टा, जब मारे चले तो दुई ठोर बैठे रह गए, एक बहुत चालू रहे, बझट से रुमाल बिछाए को नियत बांध दी। जब नमाज शुरू कर दी तो दुई ठोर जन बैठे रहा, उनका दरोगा जी मारे, मारवार के जब उके लंग बढ़े तो फिर नियत बांध ली, तो लौट गया, फिर उन्हीं दोनों का मारे। एक घंटा तक मारपीट का सिलसिला रहा और एक घंटा तक उसकी नमाज थाने में छुटी नहीं। नियत पर नियत बांधे, नियत पर नियत बांधे, अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े। यहाँ तक कि एक घंटे में जब थाने को रुपया गांव से पहुंच गया, दरोगा जी को रुपया मिला छोड़े, तो तीनों जब गांव में आए तो दू नोट हो रहे उसका गरियाव है, कहा सार कब के नमाजी हुई गा, घंटा निके नमाजे नहीं खत्म भे, कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सौताएली, लेकिन निके तो नमाजे नहीं खत्म भे, अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी हिसराय। तो उसने नमाज सिर्फ जान बचाने के लिए शुरू किया था, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो उसकी मार से, वो मार से बचा, इज्जत बची। अगर तहे दिल से खुदा को राजी करने के लिए पढ़ता तो वहां तो बचा ही था, आखिरत भी उसकी अच्छी हो जाती। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज के तुम कभी भी अल्लाह रसूल को राजी नहीं कर सकते। मरना बरहक है, चेहरे पे दाढ़ी रखा। हदीस शरीफ में लिखा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसके कब्र में रोशनी होगी। सुभानअल्लाह। और दाढ़ी मुसलमान की निशानी है, दाढ़ी का मुड़वाना हराम। बहुत से कहते सुन्नत है तो है दाढ़ी रखाना, सुन्नत नहीं है बल्कि दाढ़ी रखाना वाजिब है, उसको मुड़ाना हराम है। सुन्नत दो तरह की होती है, एक सुन्नत मौकिदा, एक गैर मौकिदा। तो कहने वाले जो कहते अरे दाढ़ी सुन्नत ही तो है, सुन्नत मतलब चाहे रखो चाहे ना रखो, ये जाहिलियत है, दाढ़ी रखाना वाजिब है। और दाढ़ी को बनवाने वाला, दाढ़ी को कटाने वाला फासिके मौलिन है कि जिसके पीछे नमाज भी दुरुस्त नहीं है और जिसकी शहादत भी दुरुस्त नहीं। लेकिन आज अक्सर जब गांव निकाह हुए तो गवाही खातिर वो दड़मुंडे वही उठते हैं ज्यादातर, जबकि दड़मुंडे की गवाही इस्लाम में मोतबर नहीं है। लेकिन बेचारे इमाम लोग अत्ता दबे रहा था कि जो उन गांव दड़मुंडा नेता टाइप के रहो थे उन्हीं के चलत है, तो मुल्क सोचे थे अगर इनका गवाही से हटेबे तो हमका इमामत से हटाएंगे, तो बेचारे मजबूरन कुछ नहीं बोला था। दाढ़ी रखा लो, कब्र में रोशनी का सहारा है दाढ़ी। आखिर नबी ने किससे फरमाया था? हदीस पाक में उज़ूर ने फरमाया था खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगों मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कालू कैफा मुखालिफो, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? तो उज़ूर ने फरमाया कस्तुस शवारिब, मूछों को कतरवा डालो, वाफुल लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये हुजूर ने मुसलमानों ही से कहा था, गैरों से नहीं कहा था। इसलिए दाढ़ी रखा लो, नमाजें पढ़ लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अब तो सोवत सोवत आदमी चला जाता, अब तो अटैक चला है। इसलिए नमाजें पढ़ लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, कुछ पता नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सुभानअल्लाह। एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, हम सफीरों बाग में कोई दम के चह चह, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजान हो अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजान हो ऐ सुतन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा सुभान अल्लाह तो मरना बरहक है इसलिए तैयारी कर ली लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए मिट्टी दे जावा जाता है देखा जाता है सब कुछ लेकिन हुआ पंचायते रहा था दिल बहुत ढीठ हो गए जैसे कि बताते हैं बुढ़वा रहा है बीमार होएगा तो क्या लड़काओं का चार पे घेर बैठे अब्बा ही बात अब्बा उबा तो बुढ़ौवा कहते भैया रे हम बच न पीवे तो कहें तब अब्बा तो कहें जो हम मर जाए ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा लगाओ तो लड़को कहें अब्बा यू कहाँ वही पे गाँव वाले कहा कहें रिश्तेदार कहा कहीं हैं तो कहें गाँव वाले चक्कर में पड़ गया कि हमका फंसाए दे रहे तुम लोग कहें काहे अब्बा कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि हम उनका नकेल हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान ये तो बहुत पहले मर चुका है कि हिसाब होएगा भाई छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाइए हैं और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो जुड़ते जुड़ जाइए हैं कि न जुटी हैं रे ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली पे करबे कि इन्हें मरे के बाद सोचा था कि हूँ दलाली कह ले लेकिन ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन जगह बहुत कठिन जगह है कब्र को याद करके रसूलुल्लाह के ससुर हजरत उमर फारूक आदम और हुजूर के खलीफा भी हैं हजरत उमर के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि उमर की उतनी नेकियां हैं जितने कि आसमान में तारे हैं लेकिन फिर भी हजरत उमर कब्र को याद करके रोते थे और कहते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और इतना रोए लिखा है मुकाशफतुल कुलूम में कि रोते रोते आंसू बहते बहते हजरत उमर के दोनों तरफ काले निशान पड़ गए थे इसे जो आखिरी दम तक मिटे नहीं अमीरुल मोमिनीन रोते थे कहते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब से मैं बच जाता जिनकी नेकियों की गवाही पैगंबर दें उनका खौफ ये अवाला हजरत जैसे आलिम वली मुजद्दिद वो भी कब्र को सोचते थे तो फरियाद करते थे या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर सुभान अल्लाह आला हजरत कब्र की मंजिल को याद करके और अपने नबी की बारगाह में फरियाद किया करते थे खड़े मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर बता दुआ कर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है सुभान अल्लाह अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए अगला प्रोग्राम हमारे नादिम साहब पेश करेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू